हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से बना ये फ्लाईओवर भिवंडी शहर के साई बाबा मंदिर से कल्याण रोड को जोड़ता है। और मेरे बाएं हाथ पर ये फ्लाईओवर बागे फिरदौस मस्जिद से कमला होटल तक इसको जोड़ता है और राजीव गांधी उड़ान पुल के नाम से जाना जाता है और धोखादायक है। इसकी रिपेयरिंग आज यानी 25 मार्च 2021 से शुरू होनी है, इसलिए भिवंडी महानगर पालिका और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो जानकारियां दी गई हैं उसके तहत जो लोग साई बाबा मंदिर से शेलार यानी वंजार पट्टी वगैरह जाना चाहेंगे तो ये रास्ता चालू रहेगा, और अगर धामन करना का जाना चाहेंगे तो नीचे से जाना होगा क्योंकि आगे से ये रास्ता बंद रहेगा। ठीक इसी तरह से धामन कर्नाका से जो आने वाले लोग हैं साई बाबा जाने के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। अगर उन्हें नीचे से आना है धामन कर्नाके से तो नीचे से ही साई बाबा के लिए जाना होगा, मगर बागे फिरदौस या शेलार या वज्जारपट्टी नाके से जो लोग आने वाले हैं वो इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल कुछ दिनों तक कर सकेंगे क्योंकि आधे फ्लाईओवर का रिपेयरिंग का काम शुरू होना है। आज दोपहर के बाद ये फ्लाईओवर कभी भी बंद हो जाएगा। और शेलार वंजारपट्टी शिवाजी चौक बागे फिरदौस इस तरफ से लोग फ्लाईओवर से ऊपर आ सकते हैं, मगर वही लोग जिन्हें कल्याण बाईपास की तरफ जाना है और जिन्हें धामन कर्नाका जाना होगा वो फ्लाईओवर के नीचे से आएंगे, यानी राजीव गांधी उड़ान पुल के नीचे से उन्हें धामन कर्नाका जाना है, इसका ध्यान रखें। जब ये आधा काम इस तरफ का हो जाएगा तो ठीक इसी तरह से इसका रूट बदल जाएगा और लोग धामन कर्नाका जा सकेंगे, मगर ऊपर का हिस्सा बागे फिरदौस के लिए यानी शेलार पट्टे के जाने के लिए ये बंद हो जाएगा। इसलिए आज 25 मार्च 2021 को दोपहर के बाद ये फ्लाईओवर आधा बंद हो जाएगा। मैं खान फखर आलम तौसीफ अंसारी के साथ। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार।